तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहता है कि एंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो एंग्स मॉडुलस, और फिर ये मैचिंग वाले बहुत आए हुए हैं, तो एंग्स मॉडुलस वाई की वैल्यू क्या होती है? तो एंग्स मॉडुलस वाई की जो वैल्यू होती है एफ एल ए डेल्टा एल, आप पढ़े होंगे इसका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। तो अगर तुम देखो कि फोर्स कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये आ जाएगा एल, और यहाँ से अगर देखो एरिया एल का स्क्वायर और एल, तो एक एल ने एक एल को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। तो ये आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। देखो इसका कौन सा मैच किया है, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये जो है, हाँ ये ए के साथ मैचिंग कर रहा है, क्लियर है, थर्ड ए के साथ मैचिंग कर रहा है। नेक्स्ट देखो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी अभी हम लोग निकाले हैं कि जो विस्कस फोर्स होता है वो माइनस ईटा टाइम्स ए वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईटा है वो आ जाएगा एफ, और यहाँ से ए और वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी ओवर डी एक्स, तो एफ की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और एरिया एल स्क्वायर, और ये एल टी माइनस वन, और लेंथ एल, तो एक एल ने एल को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, मतलब ये जो कोफिशियंट अभी इसको सी टी, तो एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, मतलब इसके साथ बी का मैचिंग हो रहा है, मतलब ए का, हाँ ए का थर्ड के साथ मैचिंग हो रहा है, तो ए का थर्ड के साथ मैचिंग हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ए सही नहीं है, कुल मिला के इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, और बाकी दोनों मैचिंग भी करा सकते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम सबको पता है भाई, प्लांक्स कांस्टेंट ई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू, तो एच प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो एनर्जी अपॉन न्यू के वैल्यू आ जाएगी, और न्यू टाइम पीरियड टी के इक्वल होता है, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और ये आ जाएगा टी, इसका मतलब ये हुआ कि एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, तो ये एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो ये एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, इसका मतलब ये हुआ कि ये सी के साथ मैचिंग कर रहा है, तो बाकी डी के साथ ही मैचिंग करेगा कि ये वाला कुछ नहीं है, एनर्जी ही है, समझ रहे ना, तो डी डी के साथ मैच कर, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैचिंग मतलब बहुत क्वेश्चन आए हैं यार, इट्स वेरी बोरिंग।